दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें विंसेस आईटी सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा है तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। आज इसका फोर्थ डे एंड फाइनल डे सब्सक्रिप्शन था। सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कितना सब्सक्रिप्शन आया, QIBs के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, H9s के अंदर कितना आया और साथ साथ में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर थे रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और साथ साथ में देखेंगे इसके अंदर कितना चांसेस रहेगा आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने का, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद थी उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया रिटेल के अंदर। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कहूँ जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहा है चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। चलो चलो देख लेते फोर्थ एंड फाइनल डे आईपीओ का सब्सक्रिप्शन। बात करें विंसेस आईटी सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। लाइव स्टेटस क्या चल रहा है इस आईपीओ के अंदर और आज के डेट में क्या क्या मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेंगे। उससे पहले बात करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। अगर सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो इस आईपीओ के अंदर जब ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था यानी स्टार्ट होने से पहले ही एक दिन एंकर इन्वेस्टर के जरिए पहले पैसा आ गया था और करीब करीब 14 करोड़ 18 लाख का पैसा आ चुका था इस आईपीओ के अंदर और मार्केट मेकर्स के जरिए करीब करीब 2.5 करोड़ तक का मार्केट मेकर्स के पैसा आ चुका था। बात करेंगे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल की। जब आईपीओ स्टार्ट हुआ था क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे और आज इसका आखिरी दिन था और 36-37 टाइम तक का इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और 350 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी देखने को मिला। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन चला ये और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर 105-106 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और साथ साथ में बात करेंगे नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के अंदर अमाउंट की तो करीब करीब 752 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट आ चुका है यानी लग चुका है और आखिर में हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने पार्टिसिपेट किया इस आईपीओ के अंदर तो वो रिटेल इन्वेस्टर था। करीब करीब 111-112 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट 1846 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट आया हुआ है। ज़बरदस्त इसके अंदर सब्सक्रिप्शन रिटेल ने पार्टिसिपेट किया और टोटल अगर देखा जाए इस आईपीओ के अंदर करीब करीब 88-89 टाइम फुली ओवर सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ। नहीं कह सकते हैं रिटेल को 88-89 में से किसी एक को ही आईपीओ मिलेगा। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और 2948 करोड़ तक का इसके अंदर अमाउंट भी लगा हुआ है। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया, ज़बरदस्त अमाउंट आया और अगर साथ साथ में इस आईपीओ के अंदर बात करेंगे डे बाई डे की तो देखा जाए ये आईपीओ करीब करीब 4 दिन कंटिन्यू चला। 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट डे इसके अंदर 4 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और फर्स्ट डे मैंने कहा था कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करो, ये आईपीओ भी अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। और सेकंड डे देखा है तो 11-12 टाइम सब्सक्रिप्शन आया और थर्ड डे यानी तीसरे दिन कल के दिन इसके अंदर 35 टाइम्स आया और आज इसका आखिरी दिन था और ये आईपीओ क्लोज हो गया और करीब करीब 88-89 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन आया और सबसे ज़्यादा रिटेल ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करे। चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करते चलो साथ साथ में सब्सक्राइब। बात करें विंसेस आईपीओ के बारे में। फिलहाल देखा जाए तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया। सब्सक्रिप्शन 1 तारीख को स्टार्ट हुआ था और 4 को क्लोज हो गया। अब इसकी मेन डेट है बेसिक अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कैसे चेक करते हैं वो वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। 9 अगस्त को ये आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट किस तरह चेक करेंगे, अलॉटमेंट स्ट्रेटजी क्या रहेगी वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। 10 तारीख को रिफंड होगा, 11 तारीख को हमारे डीमेंट अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद लिस्टिंग इसको देखने को मिलेगी। मंडे का दिन रहेगा 14 अगस्त को हमको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगी। लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए, लिस्टिंग के दिन क्या करना चाहिए वो भी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और साथ साथ में बात करते हैं इस आईपीओ के अंदर अब प्रमोटर की होल्डिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर जो होल्डिंग थी करीब करीब 92% तक की इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग थी यानी 92-93% तक का प्रमोटर की होल्डिंग थी। अब इसके अंदर 68% तक की होल्डिंग हो जाएगी प्रमोटर की। चलो आईपीओ की आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। बात करें विंसेस आईटी सर्विस लिमिटेड आईपीओ के डे बाई डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में तो आज के डेट में क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देख लेते हैं। आज 4 अगस्त 2023 आज थोड़ा गिरावट देखने को मिली करीब करीब 46-47% तक के इसके अंदर हमको आज ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। जब इस 2 दिन पहले जब इसका सब्सक्रिप्शन चल रहा था करीब करीब ये 55 तक का ये आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चला गया था लेकिन आज थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली कि मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा हमको वोलेटिलिटी देखने को मिली जिसका असर हमको ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी देखने को मिला है। और सब्सक्रिप्शन तो का बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला करीब करीब 88-89 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ के अंदर आया लेकिन जिस तरह का आना चाहिए था ग्रे मार्केट प्रीमियम इस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को नहीं मिला। उम्मीद की जा रही थी इसके अंदर हमको 60-70% तक का देखने को लेकिन अभी भी इसके अंदर 46-47% तक का गिरे मार्केट प्रीमियम चला है। फिलहाल देखते हैं जैसा भी रुझान डे बाय डे वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा देना।